कुचामन सिटी में प्रदेश में आरटीएच का विरोध कर रहे हैं निजी चिकित्सकों के समर्थन में आज पूरे प्रदेश में राजकीय चिकित्सालय में सेवानिवृत्त चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर है। कुचामन सिटी के राजकीय चिकित्सालय में भी इसी क्रम में चिकित्सकों ने सामूहिक अवकाश लिया है। अस्पताल में चिकित्सक के परामर्श के लिए आए मरीजों को परेशानी न हो इसके लिए बीसीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी और पीएमओ डॉक्टर प्रहलाद बाजिया ने बताया कि विकल्प के तौर पर नए चिकित्सकों और आयुष चिकित्सकों की सेवाएं ली गई जो राजकीय चिकित्सालय कुचामन में इलाज के लिए आए रोगियों को परामर्श दे रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर प्रहलाद बाजिया ने बताया कि सामूहिक अवकाश अभी तक तो सिर्फ आज के दिन के लिए लिया गया है और कल के लिए अभी कोई निर्देश नहीं आए हैं। कुचामन सिटी में जिला अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर प्रहलाद बाजिया सहित नौ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान आयुष चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश तिवारी सहित कई आयुष चिकित्सकों ने भी कुचामन के राजकीय हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी। इस दौरान मरीजों की जाँच भी हुई और उन्हें दवाइयां भी दी गई। मरीजों ने भी किसी तरह की परेशानी नहीं होने की बातें कही। किस तरह मरीजों की चिकित्सक के परामर्श के साथ विकल्प के तौर पर दिया जा रहा है? आज चिकित्सक जो है वो राज्य सरकार ने रायपुर हेल्थ बिल लागू किया है उसके विरोध में निजी चिकित्सक का जो कार्य बहिष्कार है वो पिछले 10-12 दिन से चल रहा है उसके समर्थन में किया है। साथ ही निजी चिकित्सकों के जो लाठीचार्ज हुआ वो भी एक मुद्दा है, इसलिए अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए किया है। हम जो है इमरजेंसी सुविधाओं के लिए जो नए चिकित्सक अभी लगे हैं जो प्रोफेशन में हैं तथा जो आयुष चिकित्सक फील्ड में हैं उनको वैकल्पिक तौर पे लगाया गया है और हम व्यवस्था मरीजों को कोई दुविधा न हो इस हेतु प्रयास कर रहे हैं। चावल में कितने चिकित्सक हैं जो अभी विकल्प के तौर पर आपने लगाए चिकित्सालय में? नौ चिकित्सकों ने जो है चिकित्सालय में जो है वैकल्पिक तौर पर ज्वाइन किया आज और मैं स्वयं भी अभी ड्यूटी पे आया। कल से अभी तक कल का नहीं है, केवल आज का ही जो है चिकित्सकों का सामूहिक अवकाश लिया गया है।